क्यों याद आपको आ रही है? 20 साल तक का समय था, 20 साल के बीच में आपने क्यों नहीं इस पर आवाज उठाया? उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं इनकम टैक्स जीएसटी की वकालत करता हूं और उसमें तारीख पे तारीख नहीं पड़ती। पिता के ही कार्यों को देख करके आप चुनाव लड़ेंगे, आपका अपना कुछ कोई स्थान नहीं बचा। तो एक ऐसा विजन रख के आया है, विकास का इतना बड़ा विजन दे दिया है। एक आप देखिए तो 3 चेयरमैन आए, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे केवल ढिढोरा पीटा, कोई कार्य नहीं किया। हम सवाल आपसे करेंगे, आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। जज्बे शौकत शहादत से मत पूछिए, अब तो अपने ही हाथों में सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहां तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं विपिन त्रिपाठी। जी हां, हम हाजिर हैं अपने उसी शो हम तो पूछेंगे के तहत। एक ऐसे चेहरे को लेकर के आप सभी के बीच में आया हूं जो पेशे से वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने चेहरे कहा जाए तो, मतलब एक लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किए हैं और इस बार चुनावी समर में अपनी प्रत्याशिता को लेकर के भी हाजिर हैं। वीरू कुमार जी एडवोकेट जी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार विपिन जी, और आपके माध्यम से मैं बढ़लगंज की जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जनता जनार्दन की बात आपने कर दिया, सवाल जवाब के सिलसिले तो हमारे शुरू ही होंगे। जनता जनार्दन की बात आप जो कर दिए हैं वो जनता जनार्दन, खैर मैं पत्रकारिता के लिए आया तो हूँ, आवाज़ मेरी है, लेकिन आपको यह बात स्पष्ट कर दूँ कि जनता का जो स्नेह मिल रहा है, मैं अपने सारे दर्शकों का आभार भी करना चाहूँगा, व्यक्त करना चाहूँगा हृदय से कि आप सभी जिस प्रकार से अपने इस भाई को स्नेह दे रहे हैं, यह स्नेह बना रहे हैं, और इस बात का विश्वास आप सभी को दिलवा दूँ कि निष्पक्ष तरीके से आप सभी के मन की आवाज को अपने वाणी के माध्यम से अपने जितने भी नगर के लोग प्रत्याशिता में हैं उनसे आपके सवालों को रूबरू करूंगा। जिनके मन में जो सवाल आते भी हो, आप मेरे फेसबुक कमेंट में आकर के अपने सवाल को रखेंगे, हम आपके सवालों को पूछेंगे भी अपने लोगों से। अभी तो ये सिलसिला है, हम सवाल जवाब का शुरू अगर अपने दौर को शुरू करें तो सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन से, चूंकि आप पेशे से एडवोकेट हैं, अपने जीवन में आप वकालत करते हैं क्या लगता है, तारीखों पे तारीख चलती है या फिर पब्लिक का कुछ न्याय का कार्य भी होता है? जी विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और उसके साथ साथ एक समाज सेवक भी हूं। मैं इनकम टैक्स जीएसटी की वकालत करता हूं और उसमें तारीख पे तारीख नहीं पड़ती है, वहाँ तो काम का डिस्पोजल तुरंत होता है, उसमें आईटीआर भरा जाता है, जीएसटी का रिटर्न भरा जाता है, तो उसमें तारीख का कोई सवाल ही नहीं है। और मैं जितनी ईमानदारी हो सकती है, मैं अपने पेशे के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। मैं पूर्व में छात्र जीवन में भी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ा था और मैं PCSJ का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। मेरा सिलेक्शन 2000 में PCSJ में हो चुका था, मैं इंटरव्यू दिया था, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाने की वजह से एक फार्मूला लोक सेवा आयोग द्वारा तय किया गया था स्केलिंग का, तो आज भी मेरे जितने नंबर हैं उस नंबर से कम नंबर वाले आज उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सिविल जज चुने गए थे। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि वो फार्मूला बहुत गलत था, तो जिस कारण से मैं उस फार्मूले की वजह से मैं केवल बाहर हुआ टेक्निकली, नहीं तो मेरी योग्यता सिविल जज, आज मेरे मित्र उस जगह पे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट तक पहुंच गए हैं। ये कसक तो रहती है हमेशा कि अगर मेरा सिलेक्शन उस समय अगर उस फार्मूला नहीं होता तो मेरा हो गया होता, आज मैं उस पद पे होता और न्याय करता। तो मेरी योग्यता यही है और
लेकिन मैंने अपने जीवन में एक मिशन बनाया, मेरे पिताजी की एक सीख रही, बेटा किसी भी क्षेत्र में रहना, काम ईमानदारी से करना। मैं चूंकि LLB का छात्र रहा, योग्य था, वकालत मैंने चुन लिया, व्यापारियों के बीच में चूंकि वैश्य समुदाय से आता हूं, व्यापारिक समुदाय से आता हूं, तो मुझे लगा कि व्यापारियों की समस्या सबसे ज्यादा मेरे पास आएगी, क्योंकि बढ़लगंज कस्बा व्यापारियों का कस्बा है और इनकी समस्याओं का निदान अगर सेल टैक्स जैसे, इनकम टैक्स जैसे क्षेत्र को चुना जाएगा तो हम कर सकते हैं। और मैंने ईमानदारी पूर्वक इन लोगों के व्यापारियों का कार्य करता रहा और आज मैं बहुत ही सफल हूँ। लगभग 700 हमारे यहाँ क्लाइंट है, इस लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य जगह तो मेरे क्लाइंट हैं। जैसे आपने कहा कि किन्हीं कारणों से आपका PCSJ का जो भी परीक्षा था नहीं हो पाया, निकल पाया, कुछ अगर रुकता है या कुछ मतलब किसी चीज़ में अवरोध होता है, तो ये मान लीजिए कि कुछ अच्छा लिखा है आगे करने के लिए, जैसा कि आप अपने प्रत्याशिता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से आप तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशिता किए हुए हैं, क्या आपका उद्देश्य है, किन मुद्दों को लेकर के आप नगर में अपनी प्रत्याशिता कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नगर में बहुत अभी दुर्व्यवस्था है। एक प्रयास 2000 में मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और उस समय सड़क तक नहीं थे, नाली बहुत कम नालियां थी। सबसे बड़ी दुर्दशा, चाहे पुराना गोला मोहल्ला हो, चाहे कसाब टोला हो, नौशहरा मोहल्ला हो, पंडितपुरा मोहल्ला हो, चिल्लू पार हो, खटिक टोला हो, धुनिया टोला हो, घास मंडी हो, हनुमानगढ़ी मोहल्ला हो, कुटिया मोहल्ला हो, कुम्हार टोली हो, तिवारीपुर हो, कहीं भी सड़क नहीं थी, खड़ंजे थे और बारिश के समय लोग घुटने भर पानी में, कीचड़ में आते जाते थे। और मेरे पिताजी ने अपने कार्यकाल में एक इतिहास रचा और हर गलियों में सड़क बनवाया और वो सड़क 20 साल की ईमानदारी का मिसाल है। मैं तो कहता हूं कि आज आप स्वयं चल के देखिए वो 20 साल की सड़क अपनी ईमानदारी का उदाहरण पेश कर रही है कि वैसे की ही वैसे है। अगर जनता ने केवल अपने पाइपलाइन को बिछाने के लिए न तोड़ा हो तो वैसे सुरक्षित है। 90% की सड़कें, आज मुझे गर्व होता है जब मैं जनसंपर्क में निकलता हूं तो मुझे गर्व होता है और लोग मुझसे कहते हैं कि आपके पिताजी द्वारा बनाया गया सड़क है। उस समय मुझे लगता है कि मेरे पिताजी लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो मैं यही सोच के आया हूं कि मेरे पिताजी ने एक लाइन जो विकास की तय कर रखी है वो 2005 के बाद से रुक गई थी और उसको 3 चेयरमैन आए, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे केवल ढिढोरा पीटा, कोई कार्य नहीं किया। जनता के सामने समस्याएं हैं, सबसे बड़ी नाली की समस्याएं हैं, कहीं से पानी थोड़ा सा बरसात हो जाता है, हर मोहल्ले में पानी भर जाता है। एक समस्या ये चकबंदी ऑफिस के पास थोड़ा सा बरसात होता है, घुटने भर पानी। इसके पहले भी चेयरमैन थे, कई लाख रुपए लगा के वहां नाला बनवाए, क्या रिजल्ट निकला? वो पैसा तो जनता का था, जनता का पैसा किस तरह से दुरुपयोग किया? पानी की समस्या का निदान नहीं हुआ। अभी वर्तमान चेयरमैन साहब, इस समय भी एक नाले का निर्माण हुआ, लेकिन बरसात में देखिए क्या हालत थी, उस समस्या और भी गंभीर हो गई। मैं दावा करता हूं कि नाली ये नहीं है कि केवल वही नाली, मैं पूरे बढ़लगंज की सीवरेज व्यवस्था को सबसे चाक चौबंद करूंगा। लेटा घाट का सुंदरीकरण, ये बहुत सपना था, मेरे पिताजी का भी सपना था, लेकिन 5 साल में बहुत कुछ किए, अगर एक कार्यकाल उनको मिला होता तो शायद वो भी कार्य हो जाता, लेकिन वो सपना उनका सपना है। और
मैं उस सपने को पूरा करूंगा अगर मुझे जनता ने ये मौका दिया तो। नगर का चुनाव बहुत देखा जाता है, व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है, ऐसे में कमल कितना कमाल करेगा चूंकि 20 साल का एक गैप हो चुका है। देखिए नगर में मेरे पिताजी कमल खिलाए थे और मैं दावा करता हूं मेरे अंदर वो योग्यता है, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे पिताजी ने मुझे इस योग्य बनाया है। चाहे लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे किसी अधिकारी से मिलना हो, काम कराने की क्षमता मैं व्यक्तिगत स्तर पे स्वयं करता हूँ। मैं इसे आपका अहंकार समझे या इसे आपका कॉन्फिडेंस समझे? निश्चित तौर से ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस योग्य हूँ और मैं इस योग्यता का लाभ इन जनता को, इस बढ़लगंज के लोगों को देना चाहता हूँ। मैं चाहता तो गोरखपुर में मैं अपना चैम्बर खोलता, फर्स्ट क्लास मैं आवास बनाता, मैं वहीं रहता, मैं अपनी वकालत से बहुत संतुष्ट हूँ, वकालत में बहुत अच्छे तरह से बढ़िया पैसा कमाता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी यहाँ लोगों के दिलों में बसते थे तो मैंने यही तय किया कि नहीं, अगर मैं सिर्फ वकालत करूं और पैसा कमाऊं, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, आपकी कृतियां लोग याद करते हैं। देखिए विपिन जी, व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, आपके व्यक्तित्व की रचना आपके जन्म से लेके आपके उम्र बढ़ने तक लोग रीड करते हैं। आप जहां रहते हैं ना, आपको रीड किया जाता है आप किस व्यक्तित्व के हैं। तो निश्चित तौर से मुझे ये महसूस होता है, मैं वार्डों में जाता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मेरे पिताजी अगर दिलों पे राज किए हैं तो मैं भी उनके दिल में जगह बना लिया हूं। आप पिताजी की बात कर रहे हैं, चलिए बात पिताजी से ही करता हूं क्योंकि आपकी बातों में कई बार पिताजी का जिक्र आ चुका है। मार्केट में मुझे एक पर्चा मिला आपका, ये पर्चा आप आदर्श नगर पंचायत बढ़लगंज की सम्मानित जनता को प्रणाम करते हुए अपने पिताजी का फोटो लगा करके नीचे एक अपने स्लोगन लिखा है कि 20 साल बाद अब फिर होगा नगर का विकास, विश्वमोहन जी के लाल ही रखेंगे नगर के लोगों का सम्मान। क्या लगता है 20 साल तक जो अभी और चेयरमैन आए, वर्तमान चेयरमैन, इसके पहले के चेयरमैन, इसके पहले के चेयरमैन, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, 20 साल बाद आप ही केवल कार्य करेंगे? विपिन जी आप बढ़लगंज में घूम लीजिए, देखिए सब्जी मंडी है, उस समस्या का निदान नहीं हुआ, अभी लॉकडाउन था, उस कार्यकाल में थाने के परिसर को आगे बढ़ा दिया गया, यहां तक कि अतिक्रमण कर लिया गया। ये उन फुटपाथ व्यवसायियों के साथ अन्याय नहीं है। ये बात आज ही क्यों याद आपको आ रही है? 20 साल तक का समय था, 20 साल के बीच में आपने क्यों नहीं इस पर आवाज उठाया, उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, जो थाने का बाउंड्री वाल था वो लॉकडाउन में बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला उस समय समय आपको मिला होगा ना, उस समय आपको समय मिला होगा ना इसको करने के लिए कि हाँ आप उस पर, अगर समाज सेवा की भावना आपके अंदर है, आपको के अंदर यह है कि हाँ कि इस पर आवाज उठानी चाहिए, आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है ना, अब वो समस्या, मेरे पिताजी जब थे तो सब्जी मंडी में 324 नंबर में सब्जी मंडी का निर्माण हुआ था उनके कार्यकाल में, जैसे वो हटे उस सब्जी मंडी को तोड़ दिया गया, फिर ये फुटपाथ व्यवसायी बेचारे फुटपाथ पे आ गए। और मैं ये निश्चित तौर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहले मैं सब्जी मंडी, लेटा घाट, नालियों की व्यवस्था और चकबंदी ऑफिस में, जो चकबंदी ऑफिस के पास जो पानी की समस्या है वो मेरे प्राथमिकता के आधार पे रहेगा, जलेश्वरनाथ की जो पोखरी है उसका सुंदरीकरण मेरे प्राथमिकता के आधार पे रहेगा, इस नगर को लोग याद करेंगे, मैं इसीलिए तो आया हूँ, मेरे लिए पैसा मायने नहीं लगता है। मैं एक पुत्र का ये फर्ज होता है कि अगर अपने पिता के सम्मान को बढ़ा नहीं सकता है तो उसको घटाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब पिता के ही कार्यों को देख करके आप चुनाव लड़ेंगे, आपका अपना कुछ कोई स्थान नहीं बनेगा? वही तो बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने तो एक ऐसा विजन रख के आया है, विकास का इतना बड़ा विजन दे दिया है एक, आप देखिए तो। अब
उसको देख के हमें हौसला मिलता है। मोदी जी हमारे कार्य कर रहे हैं, योगी जी हमारे कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से। नगर में सर मैं इस बात से ये नहीं हूँ, मगर नगर में मोदी योगी जी तो कार्य करने नहीं आएंगे। लोग कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, योगी जी के नाम पे वोट दीजिए, यहाँ पर मोदी जी योगी जी काम करने नहीं आएंगे। यहाँ पर बीरू जी को हम पकड़े, जनता बीरू जी से सवाल करेगी, हम सवाल आपसे करेंगे, आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। ऐसे में आपका विजन क्या है, आप किस उद्देश्य को, आप पापा जी की पिताजी की बातों को तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना क्या यहाँ पर है? देखिए सबसे बड़ी बात है हमारे आदर्श लोग हैं, हम उनके पदचिन्हों पे चलते हैं, उनसे सीख मिलती है हमें, ईमानदारी की सीख, काम करने की सीख मोदी जी और योगी से मिलती है। विकास कार्य हमारे पिताजी ने अगर किया है तो वो सीख है मेरे लिए, मेरे लिए ही नहीं ये सबके लिए सीख होनी चाहिए कि अगर कोई अच्छा कार्य करके गया है तो उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। हमारा कहीं से भी ये नहीं होना चाहिए कि इसको पीछे ले जाएं। 20 साल में आप देखिए तो कहां सड़क बनी है। मैं तो कुटिया मोहल्ले में घूम रहा था, मैं देखा कि जो सीमेंट रोड मेरे पिताजी बनाए थे उसके ऊपर सीमेंट का खड़ंजा लगाया गया था, सीमेंटेड इंटरलॉकिंग वाला। और ये किसके कार्यकाल में, इसी दो कार्यकाल में हुआ होगा निश्चित तौर से, और वो टूट भी चुका है, 5 साल हो या 7 साल हो वो टूट भी चुका है। अगर उस खड़ंजे को आज भी हटा दीजिए, मेरा दावा है कि मेरे पिताजी की वो सुरक्षित सड़क वैसे ही निकलेगी। तो हम आदर्श क्यों नहीं बनाए, हम मोदी जी को आदर्श क्यों नहीं बनाए, हम योगी जी को आदर्श क्यों नहीं बनाए? मेरे आदर्श बनाने पर एतराज नहीं, आप आदर्श बनाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सवाल जनता किससे पूछेगी, यहाँ का कार्य कौन करेगा? माध्यम आप बनेंगे तो आपको, आप अपना क्या यहाँ पर किए हुए हैं? आपने पिताजी की बात की कि पिताजी ने मेरे ये किया, आप इन 20 सालों में अपने लिए जनता के लिए क्या आवाज उठाए, किस तरह की बातों को किए? जनता की तमाम समस्याओं का, राशन के लिए जो भी समस्या आती है, मेरी बात है, आती है निश्चित तौर से, मैं अधिकारियों से मिलता हूँ, DM साहब से मिला हूँ, तमाम समस्याएं जो रहती हैं उसको लेके मैं मिलता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि, और ये भी जान लीजिए मुझे कई समस्याएं ऐसी थी जो सचिव वाले स्तर की थी, मैं वहाँ भी जाके मिला। मैं ऐसा नहीं है कि मैं टपक के आया हूँ, मेरा जो मैं 1988 में भोला नाथ उमर उसमें चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, मेरी सक्रिय भूमिका थी। 1992 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री यहाँ बना था, और मेरे कार्यक्रम में देखिए लोकल है राज, यहाँ सक्रिय रहते हैं, थाना हो, तहसील हो, जिला हो, मैं लोगों के लिए चलता हूँ, हॉस्पिटल हो, कहीं भी जाने के लिए एकदम तत्पर रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मैं टपक के आया हूँ, आप मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का जो विश्वास है मेरे कार्य करने की क्षमता, बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, उसमें कहीं न दलाली होती है, मैं अपना ही किराया लगा के जाता हूँ। चलिए मानते हैं कि आप ईमानदारी से सारे कार्यों को अपने कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखा है आपके यहाँ पर नगर में कई सारे एक होर्डिंग्स लगे हुए हैं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, लगभग 23-24 प्रत्याशी हैं, सारे लोगों का फोटो उस पर लगा पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जब नगर में लोगों से मिलने जुलने की बात आ रही है तो देखता हूँ कि आप अकेले अपनी टोली किसी और की, अपनी टोली किसी और की टोली, ऐसा क्यों? देखिए पार्टी की तरफ से एक निर्देश था 7 से 12 तक जनसंपर्क अभियान का, और हर लोग अपने अपने स्तर से अगर जिनको चुनाव लड़ना है लगे रहते हैं, हम भी एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जिला कार्य समिति वर्तमान में सदस्य भी हैं, और मुझे लगता है कि मैं इस पद के योग्य हूँ, डिजर्व करता हूँ, तो मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाए। और हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका भी निर्देश था कि आप लोग क्षेत्र में रहिए, बने रहिए, भारतीय जनता पार्टी और कमल के लिए प्रचार कीजिए। तो हम लोग देखिए, बड़ी ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि कमल के लिए ही प्रचार कर रहा हूँ। और ये भी है, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं कमल खिला के दिखा सकता हूँ।
आपने कमल खिलाने की बात कर दी। चलिए, सवाल मेरा आपसे अगला यही है कि आपके पिताजी भाजपा से चेयरमैन थे, 20 साल का अंतराल, इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद भी, इतना फुल कॉन्फिडेंस होने के बाद भी 20 साल तक भाजपा नगर में सत्ता से बाहर रहती है, क्या ऐसा हो जाएगा कि इस बार भाजपा का कमल खिल जाएगा? देखिए, कुछ पार्टी के लोग ही गद्दारी किए थे, अब इसके चर्चा में बहुत नहीं जाऊंगा इसलिए कि चुनाव का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों ने ही ये कमल खिलाने से रोका था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कमल खिलाने से इस बार कोई रोक भी नहीं सकता है। ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है या आपका व्यक्तिगत लोगों से मिलने जुलने का जो नगर सर्वे है ये बोल रहा है? ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कि फिर इस बार भी कहीं लेकिन लग जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं करता हूं, मेरे अंदर घमंड नाम की चीज भी नहीं है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है, मैं लोगों से मिलता हूं, मैंने कहा ना मेरे पिताजी लोगों के दिल में बसते हैं, वो आज भी राज कर रहे हैं और मैं भी उस दिल में जगह बना चुका हूं, ये मुझे पूरा विश्वास है, मिलने से ये लगता है कि मैं उन दिल में जगह बना चुका हूं। मतलब ये लगता है कि इस बार कमल खिलेगा? निश्चित तौर से खिलेगा, निश्चित तौर से खिलेगा। चलिए, कमल खिलेगा, एक सवाल, बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब मुझे चाहिए कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या वीरेंद्र कुमार वीरू जी का स्पीड यही रहेगा या परिवर्तन आएगा? देखिए विपिन जी, मेरे परिवार का इतिहास रहा है, आज तक मेरे बाबा जी गांधी हत्याकांड में जेल गए थे, आजीवन कभी डिगे नहीं, मेरे पिताजी संघ में थे, जनसंघ के कार्यकर्ता थे। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, पूरी तैयारी से आ पाए हो। देखिए, एक जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलता था, उस समय जनता पार्टी कंधे पे हर लिए किसान, ये सब मेरे पिताजी के जमाने से पड़ा हुआ था, ये आज भी वो सुरक्षित रखे हुए हैं। आज मेरे पिताजी नहीं है लेकिन उनकी यादें हैं। मेरे पिताजी स्वयं सेवक थे, भारतीय जनता पार्टी, पहले जनता पार्टी फिर उसके भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर सक्रियता से लगे रहे, पदाधिकारी थे और यहाँ तक कि कलराज मिश्र महामहिम राज्यपाल महोदय उनके साथ यहाँ कबड्डी खेले हुए हैं और 1988 में सबसे प्रबल दावेदार मेरे पिताजी थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तब बेनीगंज या रानी डीहा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं था, एक छोटा सा कार्यालय था रेती चौक पे, ऊपर दो कमरे का था। पिताजी को टिकट नहीं मिला, पिताजी को जनता चाहती थी कि ये चुनाव लड़े, बहुत लोगों ने दबाव बनाया, दल सिंहार सोनकर, सोनकर समाज के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उन्होंने कहा कि विश्वमोहन तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और सीट तुम जीतोगे, निर्दल लड़ो। लेकिन पिताजी हमारे कहे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकता हूं, मैं चेयरमैन रहूं या नहीं रहूं लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता रहूंगा। 88 में जब मेरे पिताजी नहीं बगावत किए तो मेरा और मेरे परिवार, मेरे भाइयों का ये धर्म है कि उनकी गरिमा को मैं ठेस न पहुंचाऊं, उनके विश्वास को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर पार्टी हमें प्रत्याशी नहीं बनाती है तो मैं आज ही घोषणा करता हूं विपिन जी कि हम या हमारे परिवार से बगावत करके कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है। चलिए, इसके लिए तो भाई धन्यवाद, अगर आपकी ऐसी चीजें घोषणा में है। एक आरोप आप पर लगता है, जनता के द्वारा बातें निकल करके आई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो एक आरोप आप पर लग रहा है कि सीमा विस्तार जो ये हुआ और फिर रुक दिया गया, इसमें आपका विशेष हाथ है, ऐसा क्यों? देखिए, आरोप तो किसी पे लगता है, मोदी जी योगी जी पे नहीं लगता है, मेरे पिताजी पे नहीं लगता है,
आरोप की सच्चाई भी जाननी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका इसमें हाथ है या नहीं? मेरा हाथ, देखिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सीमा विस्तार जो हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है। इसमें हमको लगता है कि अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। ये नगर पालिका परिषद क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हमको विकास चाहिए, यही है ना कि हम विकास के लिए सीमा विस्तार कर रहे हैं, तो नगर पालिका परिषद क्यों नहीं होना चाहिए? सीमा विस्तार से हमें कौन सा विकास मिल जाएगा? नगर पालिका परिषद अगर बन जाता है तो हमारी बजट बढ़ जाती है। देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और शासनादेश तक खोज डालते हैं कि कहाँ से क्या है, ये हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हमको लगा अब आप जो फोर लेन बना हुआ है, आप खड़े हो जाइए ना, आप वहीं से नज़र दौड़ाइए, एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा वो सुरदहा बिशनपुरा के पास, और बीच में सारी खेती लहलाती है। अब बताइए ये कहाँ से उचित है? ये तो गांव के साथ भी अन्याय है और शहर के साथ भी अन्याय है। सीमा विस्तार कहाँ होना चाहिए? मान लीजिए मैं मानता हूँ सीमा विस्तार भी तो एक जेन्युइन तरीके से होना चाहिए। आप एक सर्किल बनाते, जो फोर लेन बना हुआ है वहाँ से लेके घूमते हुए, वो सिधुआ पार का जो फोर लेन है वहाँ से घुमाते हुए, आप सब घुमा के संसार पार घूमते हुए आप आते बुढ़नपुरा तक। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों आप सुरदहा और विशुपुरा जैसे पूरी तरह एग्रीकल्चर गांव को न गांव में रहने दिया न शहर में रहने दिया? कल को कोई चेयरमैन आएगा वो तो कहेगा ना, हम नगर पंचायत के वासी हैं, हमें सुविधा मिलनी चाहिए। ये बताइए जहाँ खेत ही खेत है वहाँ हम नाली प्रकाश व्यवस्था क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो उतना बजट नहीं होगा। हम तो डिपेंड रहेंगे ना, अगर हमारी क्षमता है तो हम तो खींच के लाएंगे। जैसे मैं पिताजी का एक अभिन्न अंग रहा हूँ, चेयरमैन काल में मैं साथ ही चलता था उनके। बजट लाने के लिए मैं लखनऊ तक अपना जितना विवेक था बुद्धि था मैं लगा के, राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, 20 लाख रुपये हम लोग लेके आए थे। बजट उतना नहीं आता था, एक सीमित बजट आता था। तो आज जो बजट आ रहा है ना, ये बजट अब बताइए खेत में काम करने के लिए होगा या नगर में काम करने के लिए होगा? तो यहाँ तो हमारी जो विचारधारा है उन अधिकारियों पे जांच बैठानी चाहिए जिन्होंने ऐसी बड़ी गलती किया है। क्यों नहीं लिया बुढ़नपुरा को, क्यों नहीं लिया सिधुआ पार के बाईपास तक? ये सवाल कई लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू के दौरान ये बातें आई। एक दो बात और आई, जैसे कि जो ये वार्डों का नामकरण हुआ है उस पर कितना आप सहमत हैं? नहीं देखिए, वार्डों के नामकरण से हम तो पूरी तरह सहमत हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे? महादेवा मोहल्ला, अगर आपके ही वार्ड की जिस बात की कर दूं, महादेवा मोहल्ला का नाम महादेवा मोहल्ला से था, आज भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस वार्ड में है तो आप एक मिनट के लिए कहेंगे कि महादेवा मोहल्ला, उसका नाम बदल करके जलेश्वरनाथ नगर रख दिया गया। काली चौरा का नाम था उसे कुछ और नाम दे दिया गया, बगल में वहाँ पर कल्याणपुर का नाम उसका अस्तित्व खत्म करके कुछ और नाम कर दिया गया, इस पर कैसे आप सहमत हो सकते हैं? विपिन जी यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, वार्ड का नाम रखना एक अलग चीज़ है, मोहल्लों का नाम रखना एक अलग चीज़ है। जो मोहल्ला पहले से अस्तित्व में है उसका नाम न कोई भूल रहा है, महादेवा मोहल्ला चूंकि कुछ एरिया में है, फिर कल्याणपुर है, तो वो पूरे जब हमारा वो वार्डों का कच्छों का निर्धारण हुआ तो पूरे कच्छ को मिला के यानी कई मोहल्लों को मिला के वो नाम दिया गया है वार्ड। लेकिन लोगों को दिक्कत तो होगी ना अपने एड्रेस पे, अपने सारे सरनेम बनाने में, डिटेल लिखने में, वो जलेश्वरनाथ नगर लिखेंगे कि महादेवा मोहल्ला लिखेंगे कि बड़हलगंज लिखेंगे कि आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज लिखेंगे? देखिए विपिन जी यही तो बात है, वही शहरों में आप देख लीजिए, कितने भी बड़े शहर में जाएंगे तो मोहल्लों का नाम होता है और एक बड़े क्षेत्र को मिला के कई मोहल्लों को मिला के वार्ड बनाया जाता है। तो हम अपना एड्रेस यही लिखेंगे, अगर हम मोहल्ला महादेवा के निवासी है, मोहल्ला महादेवा जलेश्वर नाथ नगर वार्ड के, ये सब लिखा जाता है। मोहल्ले का अस्तित्व तो मिटता ही नहीं है, ये कैसे कह दिए कि
एक अस्तित्व ही खत्म हुआ है। आपके अनुसार जो नगर वार्डों का नामकरण हुआ है और मोहल्ले के नाम से कोई मतलब भेदभाव नहीं है, वो उसका अपना स्थान है, उसका अपना स्थान है। निश्चित तौर से मोहल्ले का अपना स्थान है और वार्ड का अपना स्थान है। वो तो कई मोहल्लों का, चूंकि एरिया बड़ा हो जाता है वार्डों का, सीमा बड़ा है, तो निश्चित तौर से कई मोहल्ला को लेके वार्ड बना। अब पहले भी था तो उस वजह से जो है, अब महादेवा मोहल्ला को ऐसा नहीं है, वार्ड संख्या पहले लिखा जाता था। आपको इसके पहले देख लीजिए जितने चुनाव हुए हैं ना जी, नामकरण नहीं था, वार्ड संख्या ये कहाँ है, वो खटिक टोला में। तो ऐसा नहीं है केवल खटिक टोला था, उसमें काली चौरा मोहल्ला भी था। अस्तित्व खत्म हुआ क्या? नहीं ना खत्म हुआ। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कई मोहल्लों को मिला के अगर बनाया गया है तो एक नाम दे दिया गया कि ये नानाजी देशमुख, बाबा जलेश्वर नाथ, और इतने सुंदर सुंदर नाम जो सबको कर्ण प्रिय लगे। चलिए, सुंदरता की बात आप कर रहे हैं, अंत में हमारा एक सवाल आपसे और है। आप रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष हैं आप, वहां पर दुकानें भी लगती हैं जब रामलीला का मंचन नहीं होता है, उसके बाद में उसके पहले। लोगों का कहना यह है कि बहुत सारे धनार्जन होते हैं लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं किसी को जनता के सामने हो पाता है, मिल पा रहा है, ऐसा क्यों आपके लिए ये सवाल उठ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से आपका सवाल सही है और ऐसे सवाल उठने भी चाहिए, ऐसे सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि उसमें एक तीन दुकानें हैं जो दो दर की एक हैं और एक और जिसमें शूज की दुकान करते हैं, काफ़ी पहले से है, किराया उसका बहुत कम है, और एक उसमें लक्ष्मण जी करते हैं, कपड़े का व्यवसाय करते हैं, और साल में जो रामलीला आती है, आज रामलीला बहुत महंगा है, पूरी डिपेंडेंसी रहती है, अगर वो लक्ष्मण जी किराया न दे तो शायद रामलीला के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा। चंदे के रूप में बहुत कम चंदा वसूला जाता है जिससे रामलीला नहीं कराया जा सकता, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत संकट झेलना पड़ता है उसके लिए, लेकिन केवल लक्ष्मण जी के किराया एक समझ लीजिए कि 80% वो कवर करते हैं कि हमारा रामलीला हो जाए। तो कहीं से भी, ईश्वर ना करें, राम का एक रुपया हमारे हलक से उतर पाए, ईश्वर ना करे। ईश्वर ने और मेरे पिताजी ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं ईमानदारी से अपनी कमाई से उसमें दो पैसा लगाता ही हूं, लेता नहीं हूं, और हमारे खून में है कि राम का या भगवान का एक रुपया हम ले नहीं सकते हैं। ईश्वर ना करे कभी इस तरह की नौबत भी आए, कल्पना में भी ना सोचे। सवाल तो लोग उठाएंगे ही उठाएंगे, जो कुछ नहीं करते वो केवल सवाल उठाते हैं, जो काम करते हैं वो कभी सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। आप मंदिर से जुड़ के तो देखिए कितनी दिक्कत होती है। पहले मेरी विचारधारा भी यही थी, मैं जब मंदिर से नहीं जुड़ा था, धर्म से नहीं जुड़ा था, जब मैं पढ़ रहा था, वकालत कर रहा था, तो मुझे लगता है कि पंडित जी बहुत कमाई करते हैं, लेकिन जब मैं हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़ा, रामलीला से जुड़ा, तो मुझे लगा अरे पंडित जी तो बहुत बुरी स्थिति में हैं। बहुत ऐसे मंदिर है विपिन जी, ये बढ़लगंज में भी हैं, जहां भोग राग के लिए, प्रसाद के लिए व्यवस्था नहीं है। आप स्वयं जाएंगे, अगर महसूस करेंगे तो आप कहेंगे अरे भोग राग लगना चाहिए, आप स्वयं अपने जेब से पैसा निकाल के देंगे, ये स्थिति है। इस पर कोई कार्य आप अगर सत्ता में आते हैं तो क्या आपके एजेंडे में यह भी है? निश्चित तौर से, निश्चित तौर से मेरा एजेंडा तो बहुत बड़ा है। मंदिर हो या मस्जिद हो, ना मेरे पिताजी ने भेदभाव किया है, और हम तीन भाई हैं, किसी के अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं है। जो पात्र है, देखिए अभी आवास बने, हम घूम रहे हैं, हरिजन बस्ती में मैं गया था, कटटोला में गया था, मुझे बहुत पीड़ा हुई, कटरेन डाल के पड़ा हुआ है बंदा। वो महिला आज कह रही, कल कह रही थी मुझसे
क्या बताइए, मेरे पिताजी थे, घूमते थे, चेयरमैन घूमते नहीं, यहाँ तो चेयरमैन घूमते ही नहीं हैं, मेरे पिताजी के बाद किसी ने घूमा ही नहीं, बख्शी जी घूमे ही नहीं, मेरे पिताजी घूमते थे। उस समय अगर प्रधानमंत्री आवास योजना रहती तो शायद 2005 तक बढ़लगंज में एक भी न कटरेन दिखते, न कच्चे मकान दिखते, चाहे किसी जाति और धर्म के हो। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे पिताजी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लाल राशन कार्ड आता था, सफेद राशन कार्ड आता था, उस पे फ्री अनाज मिलता था। तो चूंकि संसाधन कम थे, आज तो बहुत कुछ योगी और मोदी जी दे रहे हैं, तो ये सब आते थे। तो मेरे पिताजी घूमते थे तो वो उनको वार्डों में ज्ञान रहता था कि इनको भोजन की तकलीफ है, खाने की तकलीफ है। तो जब वो स्कीम आती थी तो 50 लोगों की चाहे 20 लोगों की चाहे ऐसे आते थे, ये नहीं है कि बल्क में आते थे, तो वो लिस्ट बनाए जाते थे। तो हम घर के अंदर की, जब घर में हम लोग भोजन पे बैठते थे तो चर्चा होती थी, तो मेरी एक सिस्टर कही कि बाबूजी वो तो आपको कभी वोट दे ही नहीं सकता है, आप उसका क्यों बनवाते हैं, उन लोगों का क्यों बनवाते हैं। तो बाबूजी ने मेरे डांट दिया, कहा हमें वोट दे या ना दे, उसका पेट तो भरेगा, हमको नहीं चाहिए वोट, लेकिन उसका पेट भरना चाहिए। वो बहुत बड़ा संदेश था और मैं अपने जीवन में उतारा, मेरे भाई अपने जीवन में उतारे, बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सोनकर हो, कभी हम लोग भेदभाव किए ही नहीं, सबको गले से। इसीलिए देखिए कहते हैं ना, इसीलिए पिताजी मेरे राज करते थे, मैं भी दिल में जगह बना, इसी स्वभाव की वजह से दिल में जगह बना लिया हूं, कोई अंतर नहीं। तो आपको सोच ऊंची रखनी पड़ेगी विपिन जी, अगर जब तक आपकी सोच ऊंची नहीं रहेगी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भेदभाव मन में रहेगा, लालच मन में रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। एक चीज है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप निडर रहेंगे, निर्भीक रहेंगे। इसलिए ये गुरूर नहीं, ये मेरी ईमानदारी बोल रही है, मेरे पिताजी का संस्कार बोल रहा है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र कुमार वीरू जी, और अपने राम के नाम को लेकर के, अपनी नाव को लेकर चलते हैं, कितनी सफलता मिलती है आने वाले समय में, हम लोग पुनः मुखातिब होंगे, मिलेंगे अपने इसी शो हम तो पूछेंगे के तहत अपने साथी प्रद्युम्न मिश्र के साथ। धन्यवाद।